हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि समर वेकेशन हो चुकी है ख़त्म, तो अथर्व को जस्ट स्कूल ड्रॉप करके मुझे थोड़ा सा धनिया की पत्ती लेनी है, वो लूँगी और घर चलूँगी और फटाफट लंच में जुड़ जाऊँगी। तो आपको रास्ते में दिखाऊँगी कैसे बच्चों की भीड़ शुरू हो चुकी है, समर वेकेशन ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। स्कूल की बसेस आ रही हैं, जा रही हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैंने भी ले लिया अपना मटर, धनिया और अथर्व का जूस था, उसने पिया नहीं तो रख देंगे, वो घर आके पी लेगा। फटाफट चलते हैं। हाँ, सुबह सुबह आप ट्रैफिक का हाल देख रहे हो, मतलब सुबह सुबह सबका ऑफिस, सबका स्कूल होने दिखता है। ये सेक्टर 9 में जो ट्रैफिक होती है ना, बहुत ही ज़्यादा लाउड होती है। आपको इंट्रोड्यूस तो कराना भूल ही गई कि मेरी बालकनी में नए नए पौधों को एंट्री हुई है। एक ये पौधा, इसको शायद नीलगिरी कहते हैं, इसमें ब्लू कलर का फूल आएगा। एक ये प्लांट है, ये है एक सो प्लांट, ये तो मैंने तोड़ के कहीं से लाया, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता, आप मुझे नाम बताना इसका प्लीज़। और ये है फाइनली कड़ी पत्ता। मतलब लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर गई थी, तो बस उनके यहाँ से ही कड़ी का पत्ता तोड़ के लेके आई। तोड़ के क्या, पूरा गमला ही उठा लाया, मेरा कड़ी का पत्ता आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। बट शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो पौधे में तो जो थे वो तो ख़त्म हो गए हैं, ये जो छोटे छोटे थे आपको दिखाती हूँ, जो ग्रीन ग्रीन के थे, लेकिन अंदर से आप देखो, एक अंदर से कड़ी के पत्ते का पौधा आ रहा है, दिखा आपको, अंदर से आ रहा है। तो से हेलो टू माय छोटू सी बागवानी, अब काफ़ी अच्छी लगने लगी है ना, ग्रीन ग्रीन। देखो इसमें फिर से फूल आने लगे, और ये जो मम्मा के यहाँ से प्लांट लाया था उसमें तो फूल आ ही गया है, कितना अच्छा लग रहा है यार, सो प्रिटी। और ये इधर है भाई साहब, काम कर करके बैंड बजी पड़ी है, चलते हैं। बहुत दिनों से अपना अचार नहीं चेक किया है, उसे भी धूप में रखना है क्योंकि अचार पकेगा तभी तो इसकी डिलीवरी होगी। इतने सारे ऑर्डर आ चुके हैं अभी अचार के, एक बार चेक कर लूँ, सब परफेक्ट तो है। यस, एवरीथिंग इज परफेक्ट। खोल के दिखाऊँ, एक मिनट, यार क्या गजब की खुशबू आ रही है, मस्त अचार बन के रेडी है। आई थिंक एक आध हफ्ते में ये और अच्छे से पक जाएगा, ट्राई करके देखूं क्या। हाँ अभी थोड़ा बाकी है, थोड़ा लिटिल बिट बाकी है, एक हफ्ते में ये परफेक्टली हो जाएगा। किचन की हालत देखो क्या हो रखी है, तो फटाफट किचन साफ करेंगे, अथर्व को लाने का टाइम ही हो रहा है, 11:15 बजने जा रहा है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, फिर टब में बर्तन पड़ा हुआ है, इसे भी अरेंज करना है, किचन साफ करना, थक गया है यार, 4:00 बजे का उठा हुआ है इंसान,
अभी तक काम कर रहा है, बाकी सब तो अपने अपने ऑफिस चले गए। मेरा कब काम ख़त्म होगा? तो फटाफट किचन क्लीन करके, और आज मैंने अदरा स्पेशल, जो बिहार से होंगे उनको पता होगा, अदरा स्पेशल थाली तैयार की है। उसी की ये गंदगी दिख रही है आपको, तो क्या थाली तैयार की है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आज अदरा स्पेशल थाली है हमारे घर, तो अदरा स्पेशल थाली में है दो दाल वाली पूड़ी। हमारे साइड में यूपी बिहार में इसको दाल वाली पूड़ी कहते हैं, बहुत सारी जगह पूरन पोली कहते हैं, पूरन पूरी कहते हैं, सब कहते हैं। और ये है हमारी गुड़ की खीर, यानी कि रसम, सॉरी पायसम, आमरस और पनीर की सब्जी। तो ये है थाली, दाल वड़ी पूड़ी, पायसम, आमरस और पनीर की सब्जी। एक्चुअली बनती तो खीर है, बट हम लोगों को चीनी अवॉइड करना था, इस वजह से हमने गुड़ यूज़ किया है, तो इसलिए ये बन गई पायसम। और थोड़ी सी चटनी, चटनी भी। अथर, लंच रेडी। दरवाजा, डोर क्लोज करो, डोर क्लोज करो। अच्छा ठीक है, डोर क्लोज कर दो, यहीं पे मम्मा के पास ही रहो ना, डोर क्लोज कर दो ना। ठीक है भाई, मत खाओ, मम्मा खाएगी। आप डोर क्लोज कर दो। आपने फैन ऑन किया ना बेडरूम का? मैं आपको दिखाती हूँ, देखो पूरन पूली की स्टफिंग दिखाती हूँ मैं। तो ये पूरन पूली, देखिए रेसिपी इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे कुकिंग चैनल पे है, मदर अंडरस्कोर हु अंडरस्कोर लव्स अंडरस्कोर कुकिंग एट द रेट मदर हु लव्स कुकिंग पे। किस स्कूल से आ गया मंकी? हाँ। खा क्यों नहीं रहा? देखो तो मम्मा ने कितना यम्मी बनाया है। क्यों? उसको मैं क्या लंच मिला था? पराठा और सब्जी। और कटकट मिला था? नहीं। तो मैंने तो कटकट बनाया। कटकट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो कुछ नहीं खाना। ठीक है, मत खाओ, सो जाओ। कुछ भी खाए। ठीक है, सो जाओ थोड़ी देर। किया तो चेंज, यही पहन के सो जाओ। पहन कपड़ा चाहिए ना? अच्छा ठीक है, भी कर देते। इतना छोटा सा नहीं चाहिए, बड़ा। बड़ा चाहिए? हाँ। कितना बड़ा चाहिए? इतना ज्यादा। अच्छा ठीक है। अरे फिर बदमाशी, फिर बदमाशी शुरू हो गई। तो जब ऐसे ऐसे आपके घर में नॉटी बच्चे हो ना, तो उनको इंगेज करने का एक तरीका होता है, उनके साथ ना रोज कुछ एक नया गेम खेलिए। तो आज हम और अथर कौन सा गेम खेलने वाले हैं? अथर फ्लोट और सिंक। फ्लोट इज सिंक, या तो पानी में कौन सी चीज डूब रही है अथर को बताना है, और कौन सी चीज तैर रही है। हाँ। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्या अपना गेम? हाँ। चले फ्रेंड्स गेम खेले। हाँ। अथर अब ये बॉल डालो पानी में, देखो पानी में बॉल फ्लोट कर रही है या सिंक। डालो तो बॉल क्या कर रही है? यानी कि फ्लोट कर रही है, यानी कि बॉल हल्की है। बॉल क्या है? हल्की है। और पानी का डूब नहीं रही है क्योंकि पानी का वो दबा नहीं पा रही है, पानी का प्रेशर बॉल पे ज्यादा है। दबा लेता। आप दबाओ, देखो दबाओ, दबाओ, देखो क्या हो रहा है। दबाया, देखा देखा, अब फिर छोड़ो, देखा ये अप थ्रस्ट की वजह से ऊपर आ गई फिर से। ठीक है, अब एक और चीज डालते हैं। अब अपना अपना वो येलो येलो ब्लू टॉय डालो, बॉल पहले निकालो बाहर। एक मिनट रुको अथर्व, एक मिनट, वेट 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 वेट, बॉल छोड़ो उसी में। अब चलो, अब बॉल बाहर निकालो, देखो पानी नहीं गिराओ, टेबल पे रखो, तुरंत तुरंत टेबल पे रखो, पानी नहीं गिरना चाहिए कहीं पे भी। ठीक है, तो प्रिकॉशन के साथ गेम खेलेंगे हम। अब ये टॉय डालो, डालो देखो क्या होता है, डालो। अरे ये भी फ्लोट कर रही है, अब क्या होगा?
यानी कि इसकी भी इसका भी जो वेट है वो पानी के लिए हल्का है, यानी कि पानी पानी जो प्रेशर लगा रहा है ऊपर की तरफ, अब थ्रस्ट जो कर रहा है इस वजह से, और ये पानी के प्रेशर को दबा नहीं पा रहा है इसलिए ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा साइंस में अभी इसको नहीं समझा सकती। वो फ्लोट करेगा बेटा, फ्लोट करेगा सर। अब आप नाव डालो, ये जो मैंने सिप बनाई है छोटी सी येलो, उसको रहने दो, उसको रहने दो, उसको रहने दो, पानी गिर रहा था। चलो, ओ ये भी फ्लोट कर रही है। हाँ बेबी को भी डालो। ओ ये तो सारे फ्लोट कर रहे हैं, तो श्रिंक क्या करेगा? पोटैटो लाते हैं। हाँ। डालो पोटैटो, डालो इसमें। देखा, पोटैटो जो है सिंक कर गया। देखा। तो पोटैटो जो है वो पानी के प्रेशर को दबा करके अंदर चला गया। अब क्यों चला गया इसका कमेंट आप बताएंगे। कमेंट में आपको बताना है अथर्व को कि बाकी चीज़ें क्यों फ्लोट कर रही हैं और पोटैटो क्यों अंदर चला गया। तो प्लीज़ कमेंट में आप अथर्व को समझाएंगे ना, फटाफट सब लोग कमेंट करो ये क्यों कर रहा है। मुझे साइंस नहीं समझाना अथर्व को, साइंस आपको समझाना है अथर्व को। अथर्व का घोंसला बन के रेडी हो गया। अथर्व अपना घोंसला दिखाइए कैसे बनाया है। ये देखो अथर्व ने घोंसला बनाया है। अथर्व के घोंसले पे एक वो कोयल है बेटा, ये कोयल है। अच्छे से रखिए, रुकिए मम्मा अच्छे से लगा दिए। अंदर चिड़िया भी है, चिड़िया के छोटे छोटे अंडे भी हैं। ठीक है, ये है घोंसला बन के रेडी। तो फाइनली अथर्व का होमवर्क हो गया है कंप्लीट और मैं हो गई हूँ रिलैक्स। बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई होमवर्क कंप्लीट होने के बाद। लाइए बेटा अभी से मैं लगा दूँ इसको, अभी यहीं पर लगा देती हूँ। ये स्कूल जाएगा तो ले जाएगा। ये देखो चिड़िया का घोंसला। अच्छा लग रहा है ना। अब इसको थोड़ा और अगर मुझे कुछ मिल जाएगा ऐसे वाले और रस्सी मिल जाएगी तो मैं इसको और सुंदर बना दूंगी। नीचे जा रही है, प्रिंट आउट निकालने चल रहे हैं ना हम। ये कौन है? ये भी आपकी दीदी है। मुझे नहीं पता, बच्चे कितने सवाल करते हैं यार। भाई हम लोग मार्केट से आ गए हैं, प्रिंट आउट जो निकालना था। अब बनाऊंगी डिनर और हस्बैंड के लिए। बाकी सुबह का तो बहुत सारा पूड़ी उड़ी बचा हुआ है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज मतलब अदरा सेलिब्रेट तो किया था, तो आज है गुरु पूर्णिमा भी। ठीक है, और गुरु पूर्णिमा के दिन बेसिकली लोग क्या करते हैं ना, जो आपके गुरु हैं मतलब जिसने गुरु मंत्र ले लिया है उनकी बात कर रही हूँ मैं एग्जैक्टली, वो लोग राइट लेग के मतलब दाहिने पैर के अंगूठे को मतलब टो होता है उसको धुल करके उसका चरणामृत बना करके ग्रहण करते हैं। ठीक है, मेरे मम्मी पापा तो ऐसे ही करते हैं क्योंकि वो लोग गुरु मंत्र ले चुके हैं, मेरी शादी में ही ले लिया था। उसके बाद से क्या करते हैं वो लोग गुरु जी के लिए और उनकी फैमिली के लिए कपड़े लेकर के मतलब ऐसे गिफ्ट लेके जाते हैं, फल मिठाई लेके जाते हैं और गुरु जी को पहले भोग लगाते हैं, फिर वो वही प्रसाद गुरु जी से लेके वो लोग ग्रहण करते हैं, उसके बाद से खाना खाना शुरू करते हैं। तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं वो लोग गुरु पूर्णिमा। तो अब इस डिनर में बनाऊंगी और मैं गई हूँ फिर से थक, क्योंकि सुबह से ही करते करते दोपहर में थोड़ी देर सो लिया था, बट फिर भी यार होमवर्क कम के टेंशन से मैं थक गई थी। तो अब थोड़ी बहुत जो एडिटिंग करनी है मुझे वीडियो की वो करूँगी डिनर बनाने के बाद। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड तो इस ब्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड, और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में आपके साथ एक नए डे के साथ। बाय बाय अथर्व, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। और
सबको दीजिए खूब सारा प्यार, क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा नटखट है बट बहुत प्यारा है। बाय बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट।